Second is electric field intensity. Again, the application of Gauss theorem. Electric field intensity due to a uniformly charged thin spherical shell. Means पिछले केस में क्या था, एक सॉलिड स्फीयर था आपके पास. अब आपने एक ली, एक शेल ली, एक रिंग की फॉर्म में लिया आपने, अंदर से खाली है ये. चार्ज सिर्फ कहाँ है, सरफेस पे. चार्ज कहाँ है, सिर्फ सरफेस पे. इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. कैसे निकालोगे, अब कहाँ निकालनी है ये तो निकाल हुआ, कहाँ या बाहर निकालनी है, सरफेस पे निकालनी है, अंदर निकालनी है, कहीं निकाल हुआ. तो हम तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे. पहला केस है, सपोज जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो इस होलोस्फीयर से बाहर है. तो सबसे पहला काम क्या होता है, जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उसके अराउंड आप क्या ड्रॉ करते हो, एक गॉसियन सरफेस. होलोस्फीयर का रेडियस कितना था, कैपिटल आर. पॉइंट पी का डिस्टेंस सेंटर से कितना होता है, स्मॉल आर. तो इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना हुआ, गॉसियन सरफेस का जो कि आपने क्या लिया, स्फीयर लिया, रेडियस कितना हुआ, स्मॉल आर. लगा दो गॉस थ्योरम. क्या कहती है गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम कहती है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. देखो ई और डी एस में एंगल कितना है, ये पॉजिटिव था, ई वेक्टर बाहर की तरफ. छोटा सा एरिया एलिमेंट लो, डी एस वेक्टर ड्रॉ करो, दोनों में एंगल कितना है, दे आर पैरेलल, सो थीटा इज ज़ीरो. पुट करो यहाँ पर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्या आया, ई डी एस कॉस ज़ीरो इज इक्वल टू कॉस वन क्यूब एप्सिलॉन नॉट. व्हाट इज कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो इज वन. तो ये वन हो गया, ई को बाहर ले लो, डी एस को अंदर ले लो. डी एस का इंटीग्रल, डी एस क्या था, ये था डी एस डी एस डी एस डी एस ये इज इट अ सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, यस और नो. कितना होता है ये, फोर पाई आर स्क्वायर. सो फोर पाई आर स्क्वायर, आर किसका, गॉसियन सरफेस के अराउंड है ना. तो गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना था आर, तो दिस इज ई बाय फोर पाई आर स्क्वायर. तो दिस इज फॉर अगेन पॉइंट चार्ज की वजह से बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज. मीन्स अब ये होलोस्फीयर आपको क्या बन जाएगा, एक पॉइंट चार्ज बन जाएगा. नेक्स्ट केस व्हेन इट इज ऑन द शेल. ऑन द शेल मतलब पॉइंट पी यहाँ आ गया. पॉइंट पी जब यहाँ आएगा, पॉइंट पी यहाँ आ गया, तो पॉइंट पी जब यहाँ आएगा तो आर और आर क्या है, सेम हो जाएंगे. आर और आर को सेम पुट करो, पुट करो यहाँ पर स्मॉल आर को कैपिटल आर में, तो क्या बन जाएगा, ई बाय फोर पाई आर स्क्वायर क्यूब एप्सिलॉन नॉट. ये आ गया आपके पास. नाउ चार्ज वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सर्फेस, चार्ज वाज ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सर्फेस, सो कैन बी फाइंड आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सर्फेस. तो कैन बी फाइंड आउट द सिग्मा, दैट इज द सर्फेस चार्ज डेंसिटी ओवर हियर. क्या फॉर्मूला आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, चार्ज बाय सरफेस एरिया, यस और नो. तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड था, आर पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, कैपिटल आर पे, फोर पाई आर स्क्वायर. तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर. सिग्मा क्यू बाय एस होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी. एस कितना है, चार सॉलिड स्फीयर पे डिपेंड डिस्ट्रीब्यूटेड था उसकी सरफेस पे, कितने रेडियस की थी, आर कैपिटल आर की, तो फोर पाई आर स्क्वायर आ जाएगा. तो आपने क्या किया, क्यू की वैल्यू पुट की, सिग्मा बाय फोर पाई आर स्क्वायर, क्या कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया. तो आपके पास क्या बचा, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन. नेक्स्ट इज व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड. व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड मींस देखो ये आर था, एक पॉइंट पी आपने यहाँ लिया जिसका डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से, स्मॉल आर. अब लगाओ गॉस थ्योरम, क्या कहती है क्लोज थ्योरम, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू वन बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज इनक्लोज्ड, यही होता था. अब मुझे बताओ सारा चार्ज तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, क्या अंदर कोई चार्ज था, अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं था, तो अंदर चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा, ज़ीरो. अगर ये ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो. तो ई वेक्टर क्या आ गया आपके पास, ज़ीरो. प्लॉट करो, देखो जब हम प्लॉट करेंगे यहाँ पर क्या है, व्हेन इट इज़ आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, व्हेन इट इज ऑन इट इज मैक्सिमम दैट इज क्यू बाय फोर पाई आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं. और व्हेन इट इज इनसाइड, इनसाइड क्या था, जीरो. तो ड्रॉ करो एक स्फीयर, होलोस्फीयर,
इसके अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो मैंने क्या ड्रॉ किया, जीरो। सरफेस पे आके यहाँ क्या हो गया, मैक्सिमम, जीरो, देन मैक्सिमम, और उसके बाद बाहर जाके क्या करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, नॉट द इनवर्स स्क्वायर ग्राफ। सो दिस इज द शेप ऑफ द, ओके, थैंक यू।